दोस्तों बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसे एक्टर हैं जो हीरो से ज्यादा जो है विलन के किरदार में लोगों को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगते हैं। नंबर 4 पे आते हैं रणवीर सिंह, जिन्होंने पद्मावत मूवी के अंदर जो है विलन का रोल निभा के जो है लोगों को पूरी तरह से जो है चौंका दिया था, और इन्होंने जो है इस रोल को जो है बहुत ही बाखूबी तरीके से निभाया था और लोगों को जो है इनका ये वाला नेगेटिव रोल जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। और नंबर 3 पे आते हैं भैया ऋतिक रोशन, जिनकी आने वाली मूवी विक्रम वेदा के अंदर जो है ये विलन का रोल निभा रहे हैं और लोग जो है ऋतिक रोशन के इस नेगेटिव रोल को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। और नंबर 2 पे आते हैं भैया नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रोल निभाते हैं, लेकिन लोगों को जो है इनका नेगेटिव रोल जो है ज्यादा पसंद आता है और इन्होंने नेगेटिव रोल जो है यार बहुत ही ज्यादा पिक्चरों में निभाया और इनकी एक्टिंग करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। और नंबर 1 पे आते हैं भैया बॉलीवुड के संजू बाबा, जो आजकल जो है लोगों को विलन के किरदार के अंदर बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं और इन्होंने अग्निपथ और KGF 2 के अंदर विलन का रोल निभा के जो है बॉलीवुड और साउथ में जो है बहुत तगड़ा बवाल मचाया है और इन्होंने जो अधीरा का जो रोल निभाया है उसे जो है आजकल बच्चा बच्चा जानता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा बेहतरीन विलन है, कमेंट में बताओ।